नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत कई मोर्चों पर चीन को झटके दे रहा है। ऐप बैन और हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने के बाद भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत ने हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के टेंडर को रद्द कर दिया है। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार रात को यह जानकारी दी। पिछले महीने जब टेंडर खोले गए थे तब 16 डिब्बे वाली इन 44 ट्रेनों के इलेक्ट्रिकल उपकरणों और दूसरे सामान की आपूर्ति के लिए 6 दावेदारों में से एक चाइनीज ज्वाइंट वेंचर वाली एक विदेशी कंपनी सामने आई थी। अब रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर नई निविदा जारी करेगा और केंद्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। रेल मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर ट्विटर पर लिखा गया कि हाई स्पीड ट्रेनों वंदे भारत के निर्माण की निविदा रद्द कर दी गई है। संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को वरीयता आदेश के अंतर्गत एक हफ्ते के भीतर ताजा निविदा आमंत्रित की जाएगी। हालांकि रेलवे ने निविदा रद्द करने के पीछे किसी खास वजह की जानकारी नहीं दी है। नई प्रक्रिया में नई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत मेक इन इंडिया को तरजीह दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से निविदा रद्द किए जाने का कदम चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चाइनीज ज्वाइंट वेंचर वाली CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड अकेली विदेशी कंपनी थी जो इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुई थी। CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड चीन की CRRC युंगी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और गुरुग्राम में कंपनी पायनियर FIL मेड प्राइवेट लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये टेंडर किसी घरेलू कंपनी को मिले और जैसे ही पता चला कि चाइनीज वेंचर इस परियोजना में सबसे आगे था, इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। भारतीय रेलवे की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 10 जुलाई को टेंडर जारी किया था। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस टेंडर में दूसरी 5 बीडर्स में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर नेटिक्स इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। इससे पहले लद्दाख में चीन भारत के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भी रेलवे ने COVID-19 निगरानी के लिए थर्मल कैमरे की आपूर्ति के लिए उस समय टेंडर रद्द कर दिया था जब एक भारतीय कंपनी ने टेंडर स्पेसिफिकेशन को चीनी कंपनी के फेवर में होने का आरोप लगाया था। सूत्रों ने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर इस टेंडर को खत्म करने का आग्रह किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।